हेलो दोस्तों, मैं भोला सिंह स्वागत करते हैं दोस्तों आपका आपके यूट्यूब चैनल भोला क्लासेस में। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम पढ़ाने वाले हैं। प्रश्न आपके सामने है कि पहला प्रश्न है कि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, जिसमें तीन को क्रमागत प्राकृतिक संख्या है जिसका योग दिया है 51। एक दो और तीन को प्राकृतिक संख्या जिनका योग है 51। तो सबसे पहले जब योग तीन को संख्या दिया है तो तीन से पहले भाग दे दीजिए। 17 3 51 मतलब कि औसत आ गया 70। और योग निकाले इन तीनों संख्याओं का सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है इनका। तो योग जो जितना औसत आता है पहले उसको बीच में लिखते हैं। 17 के बाद क्रमागत पूछ रहा है तो लगातार पूछ रहा है, तो 17 के बाद 18 आएगा और 17 से पहले 16। और तीनों का आपस में जोड़ दिया जाना तो 51 आ जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 8 7 15 6 21 के 1 और 2 1 3 1 4 1 5 51 आ गया ना। तो यही तीन को क्रमागत संख्या का योग है 51, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या है तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। दूसरा प्रश्न है कि 5 क्रमागत संख्या का योग, जो 5 क्रमागत संख्या का योग है मतलब कि 1 2 3 4 5 को क्रमागत संख्या है जिनका योग 40 है और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 5 को पहले भाग देंगे इसमें, 5 8 40 औसत आ गया 8। तो औसत का मतलब होता है कि बीच में, दोनों का बीच में, तो इधर से भी ये बीच में आएगा तो कितना है, बीच में हो गया 8। और क्रमागत कौन है तो मतलब लगातार गिनती की संख्या नहीं बढ़ो, तो 8 से पहले 7 आएगा, 7 से पहले 6, 6 7 8 9 और 10 हो गया। और पूछ रहा है कि 40 सबसे बड़ी संख्या कहते, 40 आ जाएगा जोड़े को 10 और 9 19 से और 8 को जोड़ के तो 27 हो जाएगा, 27 7 34 6 40। और पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 10 हो गया और छोटी पूछता तो 6 हो गया। तीन नंबर पर है कि 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 105 है। 1 2 3 4 5 6 7 सात गो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है जिनका योग दिया है 105। तो 7 से भाग देंगे, 15 7 75 मतलब 105 औसत आ गया 15। औसत का मतलब ही होता है बीच में, तो 3 इधर से भी 3 इधर से भी बीच में बच गया 15 को लिख, 15 के बाद 16 17 और 18, 15 से पहले 14 आएगा, 13 और 12। तब पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 18 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 18 हो गया और इसका आंसर होता है 10। और चार नंबर प्रश्न है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 72 है। 3 क्रमागत सम संख्या है जिनका योग 72 है, तो छोटी संख्या, सम संख्या का मतलब जो 2 से कट जाए, तो सम संख्या कितना है, 3 वो क्रमागत सम संख्या है जिनका योग 72 है। 3 से भागा देंगे, 24 3 72, तो बीच में लिखेंगे औसत है 24 को लिख लेंगे, 24 से पहले सम संख्या 22 आएगा और 24 के बाद सम संख्या 26 आएगा, तो सबसे छोटी पूछा है सबसे छोटी 22, तो आंसर आ जाएगा आपका 22।